आज की वीडियो का टॉपिक है ये एलोवेरा फेशियल और आप ये घर पे ही कर सकते हैं सबको पता है एलोवेरा कितना ज्यादा कॉमन है अगर किसी के घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो एलोवेरा का जेल तो सबके घर में ही है इट हैज बिकम अ स्टेपल इन्ग्रीडियंट ओवर द पीरियड ऑफ दीज ईयर क्योंकि हर किसी ने अपने बालों पे भी उसका एप्लीकेशन किया हुआ है स्किन पे भी किया हुआ है बट वेन इट कम्स टू फेशियल बहुत सारे लोगों ने शायद ये ट्राई नहीं किया होगा और अगर किया भी होगा तो ये प्रोसेस जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो फॉलो करके नहीं किया होगा आप सभी सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे. कि कि हम जानते हैं आ चुकी है, और विंटर्स में कुछ ऐसा फेशियल चाहिए जो कि विंटर स्पेसिफिक फेशियल हो तो आज का जो फेशियल होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है अगर आपको चाहिए स्किन में एक ग्लो और आपकी जो भी टैनिंग हुई है समर्स में वो सारी निकल जाएगी इस फेशियल को फॉलो करने के बाद एंड थर्डली अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं है बहुत ज्यादा लूज हो रही है तो उस केस में भी ये फेशियल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा सबकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई अगर हो चुकी है उसको एक हाइड्रेशन की जरूरत है तो भी ये फेशियल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा सो so, सबसे पहले मेरा आप रिजल्ट देख लो यूजअली क्या बोलते हैं कि फेशियल जो होता है उसका रिजल्ट हमें दो दिन बाद मिलता है राइट right? बट इस फेशल का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंस्टेंट होगा सी जितना इंपॉर्टेंट किसी भी पर्टिकुलर रेमेडी को बनाने का प्रोसेस होता है मतलब कि प्रिपरेशन प्रोसेस होता है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर कर ली रेमेडी बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस सो so हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे और मे बी इट माइट नॉट बी एज पर वट एम कमिटिंग हेयर इन दिस वीडियो सो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखना जिससे कि आपको एक सही मेथड समझ आएगा प्रेपरेशन के साथ साथ एप्लीकेशन का भी और आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा योर स्किन विल लुक मोर ब्राइट मोर रेडियंट फुल ऑफ लाइफ मोर हाइड्रेटेड एंड फ्लॉलेस जस्ट विद वन एप्लीकेशन सो वट आर दैट विल बी कवरिंग टूडे सबसे पहले एलोवेरा के एक क्विक बेनिफिट्स दैट विल बी वेरी क्विक एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प देन सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि फेशियल के क्या क्या स्टेप्स हैं ठीक है ठीके? वो तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू दैट एंड थर्ड इंग्रेडिएंट्स उनका रेशो वो सब एंड फोर्थ एप्लीकेशन प्रोसेस और फिफ्थ वो काम आपको करना है यू हैव टू ट्राई यू रियली हैव टू ट्राई टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट एलोवेरा के स्किन के लिए बेनिफिट्स मैं कहाँ से शुरू करूँ एलोवेरा मतलब नेचर ने हमें ऐसा अच्छा सा इंग्रेडिएंट दिया ना मतलब सब कुछ हैंडल कर लेता है अगर आपकी एक्टिव एक्टिप्रोन स्किन है तो आपके लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन में टैनिंग हुई है तो आपकी स्किन को वो रिजेवनेट करेगा आपके न्यू सेल्स प्रोडक्शन को वो बूस्ट करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है जिसको एक मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन की जरूरत है जो कि विंटर्स में ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन नीड्स इट राइट सो वो आपको एलोवेरा जेल देगा अगर आप कुछ एंटी एजिंग ढूंढ रहे हैं तो एलोवेरा फेशियल आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और अगर आपकी स्किन में कोई भी ऑक्सीडेटेड डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स कर सकता है एलोवेरा जेल तो ये तो हो गया शॉर्ट एंड क्रिस्प बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल पे मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज कर रही करूँ आपकी चॉइस है कि आपको मार्केट बेस्ड यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है या फिर प्लांट बेस्ड मेरा यहाँ मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज करने का मेन पर्पज ये था कि मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी जो कि बिल्कुल मजा आ जाए यूज करके सो मार्केट बेस्ड जो होती है उसकी जो थिक कंसिस्टेंसी होती है तो इस वजह से जितनी भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करूंगी अपने एक एक स्टेप में वो मुझे बहुत मार्केट बेस्ड टाइप का ही प्रोडक्ट दे पाएगी इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ये मेरा एक रीजन था और प्लांट बेस्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करना है अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चेक दैट आउट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसका जो भी लेटेक्स uh, है येलो कलर का जो लिक्विड है वो रिमूव करें एंड देन ओनली यू यूज़ इट ऑन योर स्किन आउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फेशियल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फेशियल के यूजली फोर स्टेप्स होते हैं पहला है हमारा क्लेंजिंग सेकेंड है हमारा स्क्रब थर्ड है हमारा मसाज एंड फोर्थ इज आर फेस मास्क कुछ लोग स्ट्रीम भी करते हैं और मैंने भी अपने कुछ वीडियोस इस चैनल में शेयर किए जिसमें मैंने स्ट्रीमिंग का प्रोसेस भी बताया था इफ यू रियली वांट टू डू दैट तो आप सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे स्ट्रीम का बट आज की वीडियो में मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर रही हूं अगर आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हैं तो आप स्ट्रीमिंग में भी इंडल्ज की सो so, क्लेंजिंग के लिए मैंने क्या किया था मैंने लिया था यहाँ पे वन टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल और जिसमें मैंने ऐड किया है टू टीस्पून ऑफ मिल्क मिल्क जो है आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो अच्छी कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हैं तो पहले एक स्पून ऐड किया अच्छे से उसको मिक्स किया थोड़ा बहुत जेल जो है वो मिल्क के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ होता जा रहा है और उसके बाद मैंने उसका सेकेंड स्पून डाला एंड देन अगेन मैंने उसे बहुत अच्छा सा मिक्स दिया टू अचीव दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलने वाले क्लेंजिंग मिल्क होते हैं ना वैसा हो गया था सेम सेम टू सेम और इतना ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर था और इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म टेक्सचर था बहुत अच्छा टेक्सचर इसका बन के आया था मिल्क को ना ही मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे यूज किया है बट मिल्क में मिलने वाला जो लैक्टिक एसिड होता है वो सेल्स जो जो होते हैं आपके डेड स्किन आपकी हो है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेकेंडली मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है वो आपकी स्किन में किसी भी तरह की टैनिंग uh, हो गई है या अन स्किन टोन है या फिर पिगमेंटेड है आपकी स्किन उसके लिए भी मिल्क बहुत अच्छा है बाद आपको क्या करना है आप लेंगे कॉटन बॉल और अपने पूरे पूरे फेस में स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद दो से तीन मिनट हल्का सा एक मसाज देंगे बहुत ही हल्के हाथों से और उसके बाद आप इसे वॉश कर लेंगे क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओट मील पाउडर क्योंकि ये हमेशा मेरे पास रेडी होता है मैं राइस फ्लावर यूज़ करना चाह रही थी बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ओटमिल पाउडर यूज़ किया आप राइस फ्लावर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा स्क्रब का जो एक कंसिस्टेंसी होता है थोड़ा सा पाउडरी बट थोड़ा माइल्ड टाइप का स्क्रब देगा बट अगर, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज़्यादा हैं तो उस केस में आप इसकी जगह शुगर यूज़ कर सकते हो लेकिन शुगर को थोड़ा सा क्रश कर लेना जो मोटी शुगर है वो मत यूज़ करना उसको थोड़ा सा क्रश करके उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पाउडरी बना देना और उसके बाद यूज़ करना जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है विच इज़ हनी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एटलीस्ट वन टी स्पून ऑफ ओटमीट पाउडर जो कि मैंने हाफ हाफ करके डाला था क्योंकि जो स्क्रब होता है ना वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी uh, में चाहिए रहता है तो इसी हिसाब से थोड़ा सा कम कम डालो जिससे कि कुछ भी वेस्ट ना हो राइट एंड सेकेंडली मैंने इसमें से डाला हाफ टी स्पून ऑफ़ हनी हनी में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा प्लस ओट मील जो है आपके स्किन के पी लेवल को बैलेंस आउट करने के लिए अच्छा है तो आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है तो उसका ऑयल ऑयलब्सॉर्व करेगा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर को लॉक करेगा तो ये ओट मील का काम हो गया आपकी स्किन को रेडियंट और ब्राइट बनाने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा प्लस आपकी स्किन में अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू है तो उसको भी वो रिमूव करेगा सो so, ये अच्छे से आपने को मसाज करना है आपको अच्छे से मसाज देना है फॉर अबाउट टू टू थ्री मिनट्स बट बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना क्योंकि थोड़ा सा एक पाउडरी कंटेंट है जो हम अपने फेस में यूज कर रहे हैं यू अप्लाई अ स्क्रब ऑन योर स्किन, यू हैव टू बी रियली वेरी जेंटल ठीक है ये हमने कर लिया और उसके बाद हमने प्लेन पानी से फेस वॉश कर लिया <music> वॉन्ट टू स्टेप नंबर थ्री विच इज मसाज दस्ट पार्ट ये मसाज आपको विंटर वाले फेशियल में इतना अच्छे से हेल्प करेगी ना यू विल बी लाइक वाउड और ये इनग्रीडियंट मैंने पहले क्यों नहीं यूज किए और आप फिर कंटिन्यू करते रहेंगे इसको अपने रिजीव में विंटर्स के लिए स्पेशली इसलिए अच्छा है क्योंकि विंटर्स में क्या होता है जो भी ठंडा वेदर होता है आपकी स्किन को एक तो बहुत ज्यादा वो ड्राई बना देता है आपको इसमें कौन सा इंग्रीडियंट यूज करना है मेन एक तो हमारा एलोवेरा जेल है दैट इज़ वन सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आमंड ऑयल आमंड ऑयल विटामिन ई e से भरा हुआ है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है सेकेंडली आमंड ऑयल में ऐसे एक वार्म प्रोवाइड करने वाली प्रॉपर्टीज़ uh, हैं जिसकी एप्लीकेशन से आपकी स्किन जो सर्दियों में हो जाती है बहुत ज़्यादा डल उस डलनेस को बहुत अच्छे से क्योर करेगा जब आप इससे अपनी स्किन पर मसाज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को इंड्यूस करेगा और जितना ज्यादा आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन है आपकी स्किन टाइटन अप हो जाएगी प्लस आपके स्किन में आएगा वो नेचुरल ब्लश मैंने इसमें ऐड किया है वन टी स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड हाफ टी स्पून ऑफ आमंड ऑयल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम ऑमंड ऑयल के अलावा कोई और ऑयल यूज कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी कि हाँ ऑलिव ऑयल इज दी अनदर सब्सटीट्यूट ऑमंड ऑयल आपको बेस्ट रिजल्ट देगा सो जस्ट ट्राई कि आप ऑमंड ऑयल कहीं से अरेंज कर पाएं और आप वो यूज़ कीजिए आपको बेस्ट 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 रिजल्ट देगा मसाज वाले मेथड में और इसमें क्या होता है ये मसाज जो होती है आपकी स्किन में अगर डार्क सर्कल्स हैं अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए भी आमंड ऑयल कितना अच्छा है ये पहले भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हैं आपको अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए आमंड ऑयल से अगर आप मसाज करते हैं रेगुलरली चेस्ट विद आमंड ऑयल तो आपके डार्क सर्कल्स लाइटन हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन हो जाती है अगर आप अपनी पूरी स्किन में इससे मसाज देते हो और उसके साथ अगर एलोवेरा जेल जैसा एक इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाए तो जस्ट आई मीन यू कैन नॉट इवन इमेजिन द इंपैक्ट इट विल हैव ऑन योर स्किन मतलब पॉजिटिव वन ऑफ कोर्स सो आप क्या करेंगे आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स आपको तब तक करना है जब तक आपको एक ऐसा वाइट सा सब्सटेंस ना मिल जाए बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा एक यूनिफॉर्म सा टेक्सचर हमें मिल गया अब क्या करना है आपको मसाज करनी है अपने फेस पे इससे फॉर अबाउट सेवन टू टेन मिनट्स यस यू हर्ड मी फॉर अबाउट सेवन टू टेन मिनट्स क्योंकि इतना टाइम चाहिए मसाज करने के लिए तभी वो जो पार्लर में भी प्रैक्टिस करते हैं ना मसाज वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वाई उससे आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं वो ऐसा ज़्यादा मतलब एक तौर पे वो रिलैक्स भी हो रहे हैं क्योंकि रिलैक्सेशन का एक मेथड है बट एट द सेम टाइम वो एक्टिवेट हो रहे हैं इन द सेंस कि आपकी स्किन आपने देखा होगा फेशियल योगा कितना ज़्यादा आजकल आ, आ रहा है पॉपुलर हो रहा है राइट फेशियल योगा जिस तरह की एक्सरसाइज आपकी स्किन की मसल्स की करता है ना उस लेवल की एक्सरसाइज आप दे रहे हैं अपनी स्किन को इस मेथड में सो so इसे ज़रूर जरूर, जरूर फॉलो करना जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप सेवन टू टेन मिनट सर्कुलर मोशन में ही करना क्योंकि uh, आड़ी तिरछी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाज के मेथड्स होते हैं सब मोमाया है अगर आप सर्कुलर मोशन में ही अपने टाइट uh, हाथों से yes इस बार आपको टाइट हाथों से देना एज यू कैन सी इन दिस क्लिप ऑल्सो जब मैंने मसाज करना शुरू किया था तो मेरी स्किन का कैसा अपेयरेंस था और जब मैं जो मसाज करते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया तो मेरी स्किन का जो अपेयरेंस uh, है वो रेडिश हो रहा है आप देख रहे हैं वॉट इज़ दैट रेड कलर दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन यू कैन सी दैट अगर आपकी स्किन का जो स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, अगर आपकी आउटर लेयर बहुत ज्यादा पतली है तो आपको ये रेडनेस जो है थोड़ा जल्दी दिखेगा आपको दिखेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन अगर आपके आउटर लेयर थिक है तो मे बी आपको वो दिखेगा नहीं लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कैसे आप महसूस करेंगे यू विल बी एबल टू फील द वॉर्म्थ आपको वो जो उसकी हीट है ना महसूस होगी अपनी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बूस्ट होता हुआ महसूस होगा विद जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंग्रेडिएंट जिस मेथड से आप मसाज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन कि आप इसकी वार्म को महसूस करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन इज इक्वल टू हेल्दी स्किन ठीक है सो so, uh, ये हमने कर लिया उसके बाद इसे वॉश नहीं करना है इसे वॉश नहीं करना है क्योंकि ये एक तरह का ऑयल है जो कि आपकी स्किन में अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन ये दे रहा है ये कॉम्बिनेशन जो हमने आज बनाया है सो so, उसके बाद आप वेट करेंगे फॉर अबाउट मिनट्स okay? मिनट्स ओके तक हम वेट करेंगे और लेट इट एब्जॉर्ब बिफोर वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्टेप विच इज फेस मास्क तो मास्क के लिए मैं पे यूज कर रही हूँ सिंपलेस्ट पॉसिबल इंग्रेडिएंट जो कि हर घर में होता ही होता है हर इंडियन घर में वो है आटा व्हीट फ्लार अगर आप आटा नहीं यूज़ करते तो आप बेसन यूज़ कर सकते हो अगर बेसन भी नहीं है आपके पास तो आप ओट का जो आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आटा जिस तरह का सॉफ्टनेस आपको आटा देता है वो आई थिंक ये दोनों नहीं दे पाएंगे तो आटा तो आई डोंट थिंक किसी को भी प्रॉब्लम होगी आटे से वो सबके पास होता है सो so, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लेंगे यहाँ पे टू टी ऑफ आटा और जिसमें हम ऐड करेंगे वन टी ऑफ एलोवेरा जेल और अब अपनी आप स्किन टाइप के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि थर्ड इंग्रेडिएंट आपको कौन सा लेना है जिन लोगों की स्किन नॉर्मल भी होती है ना विंटर्स में वो थोड़ी बहुत ड्राई होने लगती है क्योंकि वेदर ऐसा हो जाता है तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या आप विंटर में थोड़ा सा ड्राइनेस महसूस करते हो तो आप इसमें ऐड करोगे मिल्क मिल्क आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे अगर आपको मोटा चाहिए तो कम डालिए पतला चाहिए तो ज्यादा डालिए वो आप डिसाइड कर सकते हो ठीक है और एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप थोड़ा मिल्क डालो इसे थोड़ा घुमाओ फिर थोड़ा डालो फिर घुमाओ इससे क्या होता है एक लम्ब फ्री मास्क आप प्रिपेयर कर पाते हो तो मिल्क में डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करती जा रही हूँ तो मुझे देखो कैसा एक यूनिफॉर्म सी स्मूथ सी और लम्ब फ्री कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिल गई ओके okay? उसके बाद क्या करना है आपको इसे अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे और नेक पे पूरा अच्छे से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद आपको वेट करना है फॉर अबाउट फिफ्टीन मिनट्स फॉर इट टू ड्राई और उसके बाद आपको रिमूव करने का एक तरीका मैं बताती हूँ कि अगर आप ये एक Uh, मतलब इससे मेस भी नहीं क्रिएट होता दैट इज़ वन एंड सेकेंडली इससे क्या होता है कि जो उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता हालांकि आप अगर पानी से भी करोगे दैट इज ओके बट अगर आप ये स्टेप कर सकते हो तो इट्स बेटर क्योंकि आपने देखा होगा पार्लर्स में भी लोग ऐसा करते हैं देर इज अनादर रीजन ऑल्सो कि वो आपको सर्विस दे रहे हैं वो आपको ये नहीं बोलेंगे ए hey, जा मूद हो क्या सो so, <laughs> ऐसा नहीं होगा लेकिन आप क्या करेंगे स्प्रे uh, बॉटल है तो उसमें थोड़े से पानी लीजिए पूरा पूरा अपने फेस पे स्प्रिंकल कीजिए और उसके बाद कोई भी फेशियल टिश्यू जो होता है जो सॉफ्ट होता है वो वाला और ऐसी अपर उसमें डायरेक्शन में आप इसे थोड़ा सा रिमूव करते रहो ठीक है जितना आपसे हो सके क्योंकि वो सेमी ड्राई होगा पंद्रह मिनट में इतना नहीं सूख जाता एकदम से अगर आपने बहुत मोटा नहीं बनाया तो ठीक है बाद फिर आप पानी से वॉश करो इससे क्या होता है एक तो सिंक में मेस क्रिएट नहीं होता विच आई डोंट थिंक एनी बडी वुड लाइक इट राइट एंड सेकेंडली आपका जो एब्जॉर्शन प्रोसेस है वो अच्छे से होता है वो एकदम से आप यू आर नॉट सिंपली जस्ट रिमूविंग इट जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट स्टेप को मैंने काउंट करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि जब भी आप फेस मास्क अप्लाई करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्लाई समर्ट ऑफ मॉइस्चराइजिंग सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशन कुछ भी तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल ही यूज कर रही हूँ ठीक है तो थोड़ी सी जेल मैंने ली और मॉइस्चराइज कर लिया तो मॉइस्चराइज कर लेना आप अपनी स्किन को किसी भी लोशन या क्रीम से जो भी आपको अच्छी लगती है सो so गाइज आप इसको जरूर 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 ट्राई करें एंड आई कैन एश्योर यू दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू बी हैप्पी एंड सो इज योर स्किन आप जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी uh, इसका क्या इफेक्ट uh, है क्या इसका पावर है वो लाइन आपके लिए गा दी हूँ ठीक है आपका कमेंट यहाँ पे फ्लैश कर रहा है बट नाम मैंने हाइड किया बिकॉज यू मेंशन की आप हर किसी यूट्यूबर को रिक्वेस्ट नहीं करते सो आई जस्ट थॉट कि मे बी मुझे आपकी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए तो इसीलिए मैंने हाइट किया बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई भी रिव्यू शेयर करती हैं मेरे चैनल पे तो आपका नाम फ्लैश करेगा फुल वाइड वाइडन ओपन स्क्रीन में सो so, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना बिट दिस इज ऑन योर स्पेशल डिमांड और लेकिन मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी है अगर ठीक है मतलब झेल पाओ तो में नंगे पैर तुरना पे ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐ ਡਰਨਾ ਵੇ ਹਏ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਾ ਹਾ ਮੇਰੇ ਸੋਣਿਆ ਸੋਣਿਆ ਵੇ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂਉ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੋਣਿਆ ਸੋਣਿਆ ਵੇ वे माही मेरा किथे ठीक है, आपको आज का वीडियो पसंद आया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों को आप जानते हो सबसे शेयर कीजिए इस चैनल को सो so, मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में टिल देन बाय